अमेठी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा, देश में बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने आज कहा कि देश में तेजी से बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। भाजपा सरकार ने दिल्ली चुनाव में मिली हार से तिलमिलाकर रसोई गैस के दाम बढ़ाए। सिंघल ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था की बदतर हालत के कारण बलात्कार, हत्या, लूट, मार्च आम बात हो गई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार में बेटियों पर बर्बरता पूर्वक अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, बढ़ते बिजली के दाम, खाद्य और पानी की समस्याओं ने तो किसान व आमजन की कमर तोड़ ही दी है। सिंघल ने कहा कि आवारा पशुओं के कारण देश की आवाम का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान बद से बदतर हालत में पहुंच गया है। किसान गरीब व मजदूर बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था से परेशान है और ऐसी स्थिति में भी सामाजिक सौहार्द, भाईचारे को बिगाड़ने और झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर भाजपा सरकार जनता को हर मोड़ पर गुमराह कर रही है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात न करके केवल जाति धर्म के नाम पर युवाओं को गुमराह ही नहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सिंघल ने बताया कि अमेठी जिले में लगभग 3 लाख किसान हैं, जिसमें से कुछ ही हजार किसानों का ही धान सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदा गया है। सरकारी खरीद जो 29 फरवरी तक होनी थी, जो एक महीने पहले ही बंद कर दी गई, अब बाकी किसान अपना धान औने पौने दाम पर दलालों व बिचौलियों के हाथ बेचने को मजबूर है। ऐसे में किसान देश की आवाम का अन्नदाता तो है, लेकिन सरकार की इस किसान विरोधी नीति के कारण अमेठी जिले के लगभग 3 से 4% किसानों का ही धान खरीदा गया है। ऐसी किसान विरोधी नीतियों से किसानों को अपार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सिंघल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने अमेठी की जनता व किसानों का सदैव अपमान ही किया है। कभी किसानों को गोबर से अनाज बीनने की बात हो या नंगे पैर बताकर कुछ खास लोगों को जूता देकर सार्वजनिक तौर पर अपनी पीठ थपथपाई, साथ ही चुनाव के समय उन्होंने घूम घूम कर अमेठी के लोगों को 13 रुपए किलो चीनी देने के वादे को उसी तरह भुला दिया जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 15 लाख देने का वादा भुला दिया। कांग्रेस ने धोखेबाज व गुमराह करने वाली सरकार से हर मोर्चे पर लड़ना शुरू कर दिया है और जनता व किसान की लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी निरंतर संघर्षरत है। प्रदीप सिंघल ने बताया कि 6 फरवरी से अनवरत किसान जनवरी जागरण अभियान के तहत अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ 25 फरवरी को स्थानीय विधायक व 28 फरवरी को सांसद को ज्ञापन सौंपेंगे। अमेठी के सभी तहसील मुख्यालयों पर 3 मार्च को घेराव करेंगे। वहीं 6 मार्च 2020 शुक्रवार को कांग्रेस किसानों के साथ विशाल धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। हिटलर शाही सरकार के खिलाफ कोई कुछ न बोल पाए, इसलिए जिले में धारा 144 हमेशा प्रभावी रहती है। अमेठी से लक्ष्मीकांत मौर्य, जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। उनका सहायक हो रही है, 1 हफ्ते तक ये बराबर चलेंगे। उसके बाद जो भी किसानों के हमारे पास ये पत्र आए हैं, इनकी समस्याओं का उल्लेखन करने के बाद एक हम लोग ज्ञापन बनाएंगे जो 25 तारीख को जनता से जुड़े हुए जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं हर विधानसभा में, उनको हम सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और किसान लोग हर विधानसभा में इकट्ठा होकर के 25 तारीख को उनको ज्ञापन, हर विधायक को, वहाँ का जो भी विधायक होगा, जो भी जनप्रतिनिधि होगा, उनको वो ज्ञापन सौंपेंगे। 25 को उनको ज्ञापन देंगे और 28 तारीख को जो यहाँ के सांसद हैं उनको जिले में ज्ञापन 28 तारीख को किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका ज्ञापन उनको 28 तारीख को यहाँ के सांसद को दिया जाएगा कि हमारे यहाँ किसानों की ये दिक्कतें हैं, आप लोग सरकार में हैं और इनकी दिक्कतें तुरंत सॉल्व कराने की कोशिश करें। उसके बाद 3 तारीख पर यह सरकार बनी तो साथ बहुत से चीज़ें उन्होंने काटे, वो सारी योजनाएं कांग्रेस की देन थी। अब इधर आप देख लीजिए, 2-3 साल में कोई चिंता अगर नया कटा हो तो बता दीजिए, आप सब लोग हैं जीवीए, सब लोग जानते हैं शुरुआत में आते ही सरकार ने बहुत से फीते काटे कि आज यहाँ ये हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब आप कोई नया कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे तो उसका फीता शिलान्यास के वक्त फीता कहाँ से चलेगा। तो ये सब चीजों के लिए आगे कांग्रेस
सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रही है। अमेठी में स्मृति ईरानी का चित्र और आप कई प्रदर्शनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या क्या प्रदर्शन है और क्या है? हम लोग तो जो जनता की भलाई का काम और किसानों के जो दुख दर्द है उसी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की और युवा साथियों की मददगार रही है। हम इनके किए हुए जो चुनाव के समय जो वादे किए हुए हैं उन्हीं को हम इनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अपना एजेंडा जो दिए हुए थे चुनाव के समय, आज वही एजेंडा इन लोग खुल करके सिवाय कि किसानों के हित की बात करके कि आए थे चुनाव में, आज उन्हीं का ये सब उल्टा कर रहे हैं। इन्होंने कहा था किसानों की दुगनी आय दुगनी हो जाएगी, आज किसान अपनी फसल का दुगनी आय को तो कौन रहे, उनका किसान का जो धान और गेहूं की फसल है वही पूरी तरह से सरकार नहीं ले पा रही है। बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हमारे अमेठी ज़िले में लगभग 3,000 किसान रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 11-12 हज़ार किसानों का ही केवल धान खरीदा गया है, जो कि आंकड़ों के हिसाब से 3-4% होता है। बाकी के किसान अपनी जो भी उपज है उसको औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हैं। और जितनी समस्याएं ये इनकी आवारा पशुओं की है, आवारा पशुओं से अगर कोई फसल बचती है तो वो भी किसान अपने सही रेटों पर नहीं बेच पाते।